उत्तराखंड की जनता के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड सरकार ने दिया दीपावली से पहले उत्तराखंड की जनता को तोहफा। प्रदेश सरकार ने किया ऐलान, ये सेवाएं होंगी शुरू। उत्तराखंड की जनता के लिए क्या तोहफा दिया सरकार ने, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। उत्तराखंड में इससे पहले बस पेट्रोल डीजल से चलती थी, अब उत्तराखंड की जनता में खुशी की लहर आ गई है। कंफर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक बस से जो आपके सफर को रंगीन बना देगा, जिसमें बैठकर आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। देहरादून से दिल्ली का सफर करने वाले हो जाएं खुश, पहली बार चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बसें लंबे रूट पर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परिवहन निगम आज से देहरादून से दिल्ली के बीच इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने जा रहा है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास शनिवार को इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दरअसल दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ दिनों BS4 वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक का पत्र भेजा था, फिलहाल इस अवधि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया। आपको बताते कि इस बीच परिवहन निगम ने BS6 और इलेक्ट्रॉनिक या CNG बसों की खरीद पर लगाम लगाया हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉनिक बसें देहरादून पहुंच चुकी हैं, ये बसें देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होंगी। परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक ये बसें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक हैं। AC वाली बसों का सफर होगा आसान। गौरतलब है कि रोडवेज के पास फिलहाल करीब 912 बसों का बेड़ा है। निगम आगामी एक साल में करीब 610 नई बसों अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास खुद परिवहन निगम को मजबूत बनाने के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर आप भी करते हैं बसों का सफर और आप उत्तराखंड से हैं, तो वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें।